हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल गया है टाटा स्टील के लिए। टाटा स्टील का अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पर टाटा स्टील ने यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है, और डिविडेंड्स भी यहाँ पर छोटा मोटा नहीं, काफ़ी ज़बरदस्त डिविडेंड कंपनी यहाँ पर अनाउंस किया है। इसको कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स की यहाँ पर लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि जो डिविडेंड है यहाँ पर 5% का डिविडेंड कंपनी यहाँ पर अनाउंस किया है। आप देख सकते हैं 510% का कंपनी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है। और अगर आप पर शेयर पर देखेंगे तो आपको 51 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है। और करेंटली शेयर की बात करें तो शेयर यहाँ पर चल रहा है 1023 रुपये के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और 1023 पर आपको यहाँ पर 51 रुपये का कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है। तो आप देख सकते हैं मोर देन 5% का आपको यहाँ डिविडेंड मिल रहा है। अगर आप 1023 का एक शेयर खरीदते हैं तो उस पर आपको कंपनी 51 रुपये एज ए डिविडेंड यहाँ पर आपको वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। साथ में अगर शेयर प्राइस देखें, अपन लास्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग डे का आप देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 1023 के ऊपर ये शेयर क्लोजिंग दिया है फ्राइडे को। तो 1023 को अगर आप बाई करते हो इसको, तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा यहाँ पर 51 रुपये का, यहाँ पर कंपनी आपको डिविडेंड देगी। इसके साथ ही मैं आपको कैलकुलेटर भी दिखाता हूँ कि कितना ये परसेंटेज में कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 51 रुपीज़ कंपनी डिविडेंड दे रही है। डिवाइड बाई करेंगे अपन 1023, तो परसेंटेज आप देखेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर जो कैलकुलेट होकर आ रहा है 4.97% का आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। तो आप मान के चल सकते हो ऑलमोस्ट आपको 5% का यहाँ पर कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है पर शेयर पे। तो आप देख सकते हैं यूजुअली आपको बैंक और आप देखेंगे बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं तो कितना रिटर्न देता है आपको एनुअली। जो बैंक होती है वो तो आपको एनुअली 5% का ही रिटर्न देती है, 5% भी नहीं देती, 4% का रिटर्न देती है आपको सेविंग पे, 3 से 4% का। वहीं अगर आप टाटा स्टील में देखें तो आपको 5% का डिविडेंड ही मिल रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है 5% का। अपन बात करते हैं इसका एक्स डेट क्या है और रिकॉर्ड डेट क्या है। तो अगर आप इसका यहाँ पर एक्स डेट देखेंगे तो अभी इसका जो एक्स डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 जुलाई, इसका जो 15 जून इसका एक्स डेट है 15/6/2022। तो अभी भी आपके पास यहाँ पर अच्छा खासा मौका है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हो और आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर आप 15 तारीख के पहले अगर इसमें बाइंग करते हो तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ पर डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल होंगे, और आपको पर इक्विटी शेयर जो 51 रुपये है वो आपको एज ए डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखें, ऐसा नहीं कि अगर इसका प्राइस जो चल रहा है 1023 रुपीज़ का चल रहा है और आप इसको बाई करेंगे तो आपको 51 रुपये का जो डिविडेंड आपका डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा और वापस आपको इसको सेम प्राइस बेच दोगे, ऐसा नहीं होता। जब भी आप डिविडेंड में अप्लाई करते हैं तो एक बात ध्यान में रखें कि सपोज़ का 1023 जो प्राइस चल रहा है तो जो डिविडेंड प्राइस जो होता है वो इसी में से वापस माइनस होता है। तो जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो अप्लाई के टाइम पर तो इसका प्राइस ये रहेगा, लेकिन आपको डिविडेंड जो मिलने के बाद में ये शेयर प्राइस इसमें से एडजस्ट हो जाएगी। तो 1023 में से आपको 51 शेयर का प्राइस जो यहाँ पर कम हो जाएगा और जो बाकी प्राइस बचेगा वो आपका यहाँ पर फाइनल प्राइस रहेगा। और उसमें से फिर अगर वापस ये शेयर बढ़ करके 1023 पर आता है तब आप यहाँ पर नो कॉस्ट नो प्रॉफिट मांगोगे, इन द सेंस आपको यहाँ पर डिविडेंड का पूरा फायदा मिलेगा। आप कभी ऐसा ना सोचे कि जैसे कि 51 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड जैसे ही मिलेगा हम वापस इसको यहाँ पर रिकॉर्ड डेट के वापस बाद इसको सेल करके यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। रिकॉर्ड डेट के बाद आप देखेंगे तो 51 रुपये से ये शेयर गिर करके नीचे आ जाएगा, तो आप तुरंत सेल करेंगे तो आपको वापस यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि 51 रुपये आपको डिविडेंड मिलेंगे तो 51 रुपये शेयर प्राइस जो है उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि जितना भी अमाउंट का आपको डिविडेंड मिलता है वो प्राइस जो होता है शेयर के करंट प्राइस जो चल रहा है उसमें से यह माइनस हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि डिविडेंड पाने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है, जब शेयर वापस इसके ओरिजिनल प्राइस पर आ जाएगा 1023 के आसपास तब आपको वापस में एग्जिट करना है, तभी आपको डिविडेंड का पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। सपोज़ अगर 1000 शेयर का प्राइस चल रहा है और 51 या 50 रुपये कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो एक्स डेट के बाद आप शेयर की प्राइस देखेंगे यहाँ पर तो 950 ही रह जाएगी, क्योंकि ये जो प्राइस है यहाँ पर जो करंट के शेयर का करंट प्राइस चलता है उसी में से एडजस्ट होता है। तो यह बात आप ध्यान में रखें, डिविडेंड कर पाना है आपको तो आपको कुछ टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा, जब तक शेयर की प्राइस वापस एक्चुअल प्राइस पर नहीं आ जाती तब तक आपको उसको होल्ड करना है, तभी आपको डिविडेंड का पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। तो यही था इस वीडियो में जानकारी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।